हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए वीडियो पर। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप सबको पता है, पिछले ब्लॉग पे मैं आया था मोनो के गांव। तो फिलहाल इस वक्त मैं मोनो के गांव पर ही हूँ और अभी फिलहाल इस वक्त हम एक बगान पे आया है, बिट्टू मामा का बगान पे। देखो यहाँ पे फ्रेश फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक वाला लेमन है। लेमन देखो इतना बड़ा बड़ा, वाह ये देखो, वाह फ्रेश फ्रेश ये देखो बड़ा बड़ा। हाँ, ये खोजना बड़ा बड़ा, वाह पक ऐसे पक गया हुआ है तो यहाँ तो येलो येलो हो गया कोकोई तो। देखो गांव पे अवेलेबल है, लेकिन बाजार पे जाओगे तो इसका कितना, एक का ही 20-10 पे ले लेगा। यहाँ पे ना सब्जी वगैरह अवेलेबल है, लेकिन इटानगर साइड में ना बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। देखो एरिकनट पेड़ देखो इतना ज़्यादा, वाह मेरा दोस्त मालामाल होने वाला है कुछ सालों बाद ना। देखो एक ही देखो इतना ज़्यादा है, वहाँ से यहाँ से लेकर वहाँ तक। देखो ये जो ना डायरेक्ट साल में आता है, डायरेक्ट लाख लाख में आता है माल जो। देखो वाह, और भी है ना पुली तो यहाँ पे। ये जो हल्दी है ना, हल्दी ये वाला, हाँ देखो ये हल्दी, हल्दी मसाला। ये देखो ये वाला है चंदन का पेड़। देखो पुष्पा मूवी में देखा होगा आप लोग, ये वाला है। अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन काफ़ी साल लग जाएगा इसको बढ़ने में। लेकिन ये जिस दिन ये बढ़ जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ना, मालामाल होगा मेरे दोस्त। और ये देखो कुछ ऐसा ट्रेडिशनल वो है, घर है यहाँ से, वाना वगैरह वो करते हैं ड्यूरी ट्रिप जो। देखो अभी आप सभी को मैं मार्केट दिखा देता हूँ, यहाँ का छोटा सा है, क्लिप दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जा रहे हैं वहाँ पे और वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे। और जेठी भैया लोग तो उधर पे अभी रेस कर रहे हैं थोड़ा सा, मोनो लोग वहाँ पे, मोनो के घर पे। तो बाद में फिर हम लोग रिवा भैया का वहाँ पे भी जाएंगे, आप सबको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम पहुंच गए। फिर हम लोग जा रहे हैं पावर, बहुत ही ज़्यादा गर्म है यहाँ पे भी ना। तो देखो यहाँ पे भाई लोग पूरा पसीना पसीना पावर ले रहा। और देखो यहाँ पे ना ये दुकान जो है जरा बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल रहता है। तो फिर रोज ये मुझे ऑफर दिया पावर। ये है मीट मार्केट और हम लोगों ने मीट मच्छी बाजार से ना, ये देखो बॉयलर दो ले लिया। देखो सॉरी 5 किलो लिया। अभी जाएंगे हम लोग रीवा भैया गाँव पे, बहुत दिनों बाद अपने भैया से मिलने जा रहे हैं रीवा भैया गाँव पे। तो वहाँ पे जाके थोड़ा मस्ती करेंगे, बैठेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, है ना। हाँ हाँ। तो अभी वो जेटली फैमिली भी आ रहे हैं और साथ में मोनो भी आ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाइक से। ये देखो यहाँ पे है चिकोन बिट्टू भैया। भाभी लोग भी, भाई लोग भी, मोनो का घर से बाजार। हाँ तो देख लीजिए थोड़ा बाजार कुछ ऐसा है। हाँ लेकिन अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया ना। हाँ बढ़िया हो गया यहाँ पे, वो कुछ कुछ सामान जो है लेने का यहाँ पे अच्छा मिलता है सस्ता में। हाँ अब तो अभी हम जाएंगे भैया का वहाँ पे, दीपा भैया का वहाँ पे। हाँ एकदम भैया भी आ गया है, सब सब मिलेगा यहाँ पीने के लिए भी, खाने के लिए भी। देखो आज भैया जो है अपना साले साहब से मिलने जा रहा है। खुशी ना, मुर्गी लेके जा रहा है, मुर्गी यहाँ पे देखो, मुर्गी दो लेके जा रहा है। देखो और यहाँ पे कुछ गिफ्ट भी है, गिफ्ट लेके जा रहा है। यहाँ पे लोकल इतना अवेलेबल नहीं है ना, जाना है तो साले घर में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाता है, मीट और ले जाना है। ऐसे हम लोग अरुणाचल में ऐसे ही नियम होता है, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना है। अभी टाउन है ना, बस्ती में उन्होंने अलग चीज लेके गौड़ी चिकन लोकल लोकल और अपोंग वगैरह एकदम, ये सब तो हमारा ट्रेडिशन। क्या करेगा, नियम को जस्ट
ब्लॉग कर रहे हैं। बोलो याद है बस कैजुअल ना बाजार में तो चले अभी चलते हैं। बहुत दिनों बाद भैया का यहाँ पे देखो इतना बढ़िया लग रहा है। लेकिन आज मोनू भी एकदम हैंडसम लग रहा था। क्या बात है इस ड्रेस पे लॉन्गी डांस के साथ में। वाह और अपना बिट्टू ये बहुत दिनों बाद भाभी ठीक है ना भाभी एकदम एकदम बढ़िया। भैया कहाँ गया? भैया का घर में। अच्छा 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 चलो पानी पीते फाइनली घर मालिक आ गया। देखो वहाँ पे क्या क्या पकड़ के लाया वहाँ पे सिगरेट सुपर है। गुड मॉर्निंग गाइस कल रात हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती के थे बाबा यहाँ पे और अभी आके तर्क सो गए थे यहाँ पे मोनो के घर पे। यहाँ पे है मोनो मैं बिट्टू हम पर यहाँ सो गए थे भाई। रात को भयंकर बारिश जाता भाई एंड थंडरिंग भी हुआ था। मैं ऐसे सो रहा था डूम डूम ऐसे हो गया बहुत डर गया था अभी लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है मौसम। सुबह सुबह का नजारा। हाँ गाइस सभी लोग उठ चुके हैं अभी चाय वाय पिया हम लोगों ने और देखो भाभी भी है यहाँ पे और यहाँ पे अंकल दोनों ठीक से बात कर रहे हैं और भैया हम लोग तो फिर से जाएंगे वहाँ पे मार्केट पे। गुड मॉर्निंग गाइस मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिराम के फैमिली आई लव यू टू भैया। एंड देखो भैया भी सुबह सुबह उठ के क्या बस वीडियो भी अभी अपलोड करने जाएंगे ना हम लोग। हाँ एडिट हो गया इनका तो अभी बाजार जाएंगे और मेरा जो कल रात को ना मैं सामान भूल गया था रिबा भैया के वहाँ पे तो वहीं जाएंगे तभी लेके आ गया भैया। हाँ हो जाएगा उसी में चलो वो वाला चप्पल पहन लो। हाँ हाँ आ जा और बिट्टू जा रहे हैं घर सुबह सुबह बुलेट बाबू वही बुलेट बा वाह देखो सेक्सी बुलेट चलो और देखो। हाँ चलो हम दोनों जाएंगे गाड़ी में। ये देखो बारिश दिया था ना इतना फ्रेश फ्रेश है आज ना। और ये देखो मोनू का घर है ऐसा गेट खोल लेता हूँ पहले इंजीनियरिंग साहब ने बनाया वाला गेट सर रुके गेट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है चले चले आइए भैया चलते हैं अभी। हाँ ये देखो दोस्तों ये है मोनू का गांव और काफ़ी ज़रा सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और रास्ता जो है ऐसा है देखो पूरा पानी पानी तालाब बन गया हुआ है क्योंकि कल रात बारिश दिया था ना देखो। और अभी भैया हम दोनों निकल चुके हैं यहाँ पे भैया वही अभी भैया का वीडियो आने वाला है तो आने वाला ढेर सारा प्यार दीजिएगा भैया को जेत्री फैमिली ब्लॉग को एकदम मेरा विराम भाई एकदम धन्यवाद हमको मेरा चैनल को आगे बढ़ा दे रहे हैं। अरे क्या बोले यार हम लोग का फर्ज बनता है तो हम लोग तो बस ऐसे बोल रहे ये लोग का काम है हम लोग का सब्सक्राइबर हम लोग का फैमिली का काम है इनका भरोसा में बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग जो समझदार है वो लोग करेगा सपोर्ट आपको वही जरूर। हाँ जिसको वो जो नहीं करेगा वो कितना बार बोले से भी नहीं करेगा वो जो अच्छा आदमी वो करेगा सपोर्ट तो चिंता मत करे आप वीडियो बनाते रहे बढ़िया से हम तो विश्वास करते हैं आप जैसे अच्छा है आपका सब्सक्राइबर आपका व्यूअर्स लोग पे इतना अच्छा होता होगा। हाँ विराम भाई का जैसे अच्छा वाला यहाँ पे सब है अच्छा वाला विराम भाई अच्छा है यहाँ का यूट्यूब बोलने से सब सभी लोग अच्छे हैं सभी लोग अच्छे हैं। मोनू से जो जुड़ा हुआ यूट्यूबर है ना सबका सब अच्छा है सब अच्छा एकदम दिलदार है ज्यादातर तो अच्छा ही है सभी लोग हम लोग का दोस्त है और हम लोग सब्सक्राइबर लोग भी बहुत अच्छे हैं बहुत सपोर्टिव है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं बाजार की ओर वहाँ पे नेट अच्छा चलता है उन्होंने वहाँ पे ना नेट चलता है लेकिन बहुत स्लो है एक टिक टू टिक आता है इसलिए हम दोनों वहाँ पे जा रहे हैं और मेरा बैग भी लेना है वहाँ पे ना तो आपको मॉर्निंग व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिर से। ये देखो फ्रेश फ्रेश लग रहा है देखो और बताना आप लोग को वहाँ पे कल रात बारिश आया कि नहीं तूफान यहाँ पे तो बहुत जोरों के आए थे रात को लेकिन अभी फिलहाल तो ठीक है। भाभी का यहाँ पे देखो कल रात मैं यहाँ पे अपना कीमती चीज भूल गया था सामान यानी कि मेरा बैग भैया तो सो रहे हैं उठ जाओ जाओ कितना देर होगा। गुड मॉर्निंग उठ जाओ मेरा बैग यहीं कहीं छोड़ा होगा शायद
कुछ तो है नहीं। देखो कैसी चौकी चला गए थे वो। अरे बुलाओ उठाओ। हाँ उतनी हम रहा है। लेकिन यहाँ पे सुनने के लिए अच्छा होगा, एकदम ओपन स्पेस। वाह, कभी दिन आऊँगा ना तब यहीं पे सुनूंगा मैं। अभी चाय भी आ गया, देखो भाभी चाय बना दिया सुबह सुबह हम लोग के लिए। तो अभी सभी लोग पी रहे हैं एंड चाय वाय पीने के बाद अपना बैग लेके निकल जाएंगे। और आज जेठे भाई अभी निकल जाएंगे पासीघाट होके ईटानगर। हाँ वही, तो अभी सवेरे सवेरे यहाँ पे आया हम लोग। हमारा सिंगल भैया का यहाँ पे सिंगर। हाँ हम लोग का सिंगर बहुत अच्छा गाता है गाइस। आप लोग पहले भी देखा होगा पिछले ब्लॉग में मुन्नू का वहाँ पे भी। तो अभी देखते रहेगा, फिर धीरे धीरे और अच्छा अच्छा गाते रहेगा। और ये देखो भैया का घर। देखो हम लोग ऐसे ट्राइबल लोग ना कहीं भी चले जाएगा ना अपना ये ऐसे चांग खाना जरूरी होता है, कंपल्सरी। तो बहुत सुंदर से बना के रखा है भैया ने, देखो यहाँ पे बैठने के लिए। हाँ एकदम इतना सुंदर से ना एकदम परमानेंट जैसा बना के रखा है। क्या आप यही शिफ्ट होने के इधर आएंगे? ठीक है, इतना सुंदर घर है ना, देखो अच्छा लगता है। कोटल तो यहाँ पे है लेकिन बेहतर नहीं, चांग घर में अच्छा लगता है ना। हम लोग ना बेम्बू घर ही अच्छा लगता है, यहाँ पे ना एकदम एयर कंडीशन एसी का जरूरत नहीं। चलो पी लेते हैं चाय वाय पीने के बाद अपना बैग लेके आ गए। ये देखो कल मैं इसी को ही भूल गया था, ये देखो ये वाला तो लेके आ गया भैया हम सुबह सुबह। और देखो अभी भैया का जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। और ये देखो भैया का जो चैनल है ये J3, देखो ये J3 फैमिली ब्लॉग्स। अभी फिलहाल 3000 सब्सक्राइबर है, तो आप प्लीज भैया को सपोर्ट कीजिएगा। J3 फैमिली ब्लॉग्स ऐसा है। और अरमान मलिक भी कहते हैं, रूपम और पम्पम ने नाम दिया है अरमान मलिक। खुला हाँ हाँ। और भैया जो है दो शादी किया ना, इसलिए अरमान मलिक बोलते हैं। एंड दोनों इतना अच्छे से बैठते हैं साथ में, इतने अच्छे से मतलब इतना अच्छा फैमिली हमने देखा है दो शादी करके भी ना, बहुत अच्छे से बैठते हैं। तो ऐसे आप दोनों का अच्छे से बिठाइए, कैसे शादी के उसको भी इंटरव्यू आप ले सकते हैं। हाँ बाद में जरूर सुनने दी। हाँ किसी को जानना हो तो भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ जाके देखो, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। वीडियो बना चुका है यार इतना सब्सक्राइबर तो पूरा दया से इतना तो उठ गया, वो हमारे लिए सेटिस्फाई है। आप लोग गिरम भाई, मनोज भाई, हमारा मोनू भाई का ग्रुप लोग हाँ। इतना सपोर्ट करने से जरूर हम ऑल उठेगा 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 बोलते करता है। यस भैया, ऊपर वाला से प्रे करता है उठे है ना। हाँ हाँ जरूर एक दिन थोड़ा उठे जरूर से हो जाएगा, चिंता ना करें आप ना। तो बस आप वीडियो बनाते रहे। और ये देखो ओए बुलेट राजा, बुलेट भैया आ गया कहाँ से सुबह सुबह। वाह फ्रेश एकदम हैंडसम। हाँ अभी वीडियो अपलोड करने आया था, मेरा वीडियो अभी हो रहा है। आ गया हम दोनों एंड भाभी बेचारे यहाँ पे अकेला अकेला बोरिंग हो गया। वही तो ना, कोई बात नहीं अभी आ गया और आ रहा। 1 2 सुना 1 2। वाह खतरा, गुड गर्ल, 1 2 जानता है। और ये उठ गया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, क्यों ना लेट सोया। खाना वाना खा के निकल जाएंगे, तो अभी खाना वाना रेडी हो गया है। यहाँ देखो पूरा मम्मी के हाथ से भाभी निकालने में हेल्प कर रहे मम्मी। देखो ये आ रहा, खाना खाएगा खाएगा ना, खाएगा, चलो खाएगा खाएगा बहुत। अभी खाना भी निकाल लिया, अभी बस भैया और मनो को रुक रहा है। भाभी हम दोनों से दबा के खा रहा है। खा लेगा, रुकेगा नहीं, किसी को नहीं रुकेगा, भूख लग रहा है। आ गया भैया, आइए बैठिए एकदम। ये है मनो का लॉकर किचन, ऐसे तो होना है ना, किचन ना। दो थो मिर्चा खा दिया, छोटा छोटे वाला, छोटा मिर्चा बहुत धमाका वाला एकदम, दो थो दबा दिया। अरे थोड़ा जहाँ है तो हम लोग फिनिश कर दे, देखो फिनिश। अभी भैया भी फिनिश कर रहे हैं, भाभी भी फिनिश कर रहे हैं, ये वाला स्पाइसी है। और देखो मनो भाई भी आ गया,
एकदम शुद्ध नहा के। हाँ वही तो, मम्मी लोग ना जब भी खाना बनाता है ना टेस्टी होता है। और निकाल दिया। हाँ हाँ तो ये खा पी के ना हम लोग फिर भैया भाभी को मुन हम दोनों पसीघाट तक ड्रॉप करने जाएंगे। जाएगा ना, जाएगा तो ना। हाँ तो पसीघाट तक ड्रॉप करके आएंगे क्योंकि रास्ता जो है थोड़ा ऐसे वैसे है ना, तो भैया दोनों को इतना मालूम नहीं है तो पहुँचा के आएंगे वहाँ तक। तो सभी ने खा पी लिया, अभी निकलेंगे यहाँ से। देखो हाँ अभी टाइम आ गया अलविदा कहने के लिए, तो अभी भैया भाभी को तो हम लोग पासीघाट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ही अलविदा करेंगे। आप तो शायद वहीं में रुकना पड़ेगा। हाँ वहीं में ठिकाना नहीं है। हाँ और आंटी को भी बाय बाय। ठीक है मम्मी, अच्छा से बैठिए। चलो निकलते हैं अभी। भैया जो था वो है ना रिसेंटली उसका ऑपरेशन हुआ था, तो इतना गाड़ी वो ड्राइव नहीं कर सकते, तो मुझे ही करना पड़ेगा आज भी फिर से पासीघाट तक। ये देखो रास्ता जो थोड़ा ख़राब है, तो अपना ये छोटा सा ब्लॉग जो है इसी पे एंड करेंगे, और अभी फिर नया ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो पर लास्ट तक देखिए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। Bye bye guys.